नमस्ते, मैं प्रीति, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तरोई चने की दाल के साथ बनाना बता रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली सब्जी है और सभी को इसका स्वाद बहुत पसंद आता है। तो आइए देखें इसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तरोई चने की दाल के साथ बनाने के लिए हमें चाहिए तरोई 250 ग्राम, 2 बड़े चम्मच चने की दाल। चने की दाल को हमने पानी में 1 घंटे भिगा के रखा था, इसके बाद इसका पानी निकाल दिया है। 2 बड़े चम्मच पानी में भीगी हुई चने की दाल, 2 प्याज पतले बारीक कटे हुए, कटा हुआ हरा धनिया, तेल सब्जी बनाने के लिए, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च स्वादानुसार, सफेद नमक स्वादानुसार और पानी। सबसे पहले हम तरोई को छील लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ये तरोई में ऊपर का जो हिस्सा और नीचे का हिस्सा है उसे निकाल देंगे और फिर पीलर से इसे हम अच्छे से छील लेंगे इस तरह से। ये देखिए, सभी तरोई को मैंने अच्छे से छील करके पानी से धो लिया है। अब इसे हम चाकू से काटेंगे। इसे हम गोल गोल काटेंगे इस तरह से, पतले पतले टुकड़ों में। देखिए, तरोई को ऐसे मैंने पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं सब्जी बनाना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब अच्छे से लाल हो जाएगा तब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन होने में से 2 से 3 मिनट लग जाएगा। देखिए, प्याज अच्छे से लाल हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और इसे भी मिलाएंगे। अब इसमें हम ये जो भीगी हुई हमारी चने की दाल है इसे डालेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें सफेद नमक, नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार से डाल सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिला करके अब इसमें हम करीब 1 कप पानी डालेंगे। जिससे कि दाल अच्छे से पक जाए। गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसे हम ढक करके पकाएंगे। दाल को हमें ढक करके 10 मिनट तक पकाना है। इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। देखिए, 10 मिनट हो गए हैं, दाल आधी पक गई है। अब इसमें हम ये कटी हुई जो तरोई है इसे डालेंगे। इसे भी हम बहुत ही अच्छे से दाल के साथ मिला देंगे। गैस को धीमा ही रखेंगे और इसे हम फिर से ढक करके 12 से 15 मिनट तक हम पकने देंगे, लेकिन बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए, 5 से 7 मिनट करीब हो गए हैं और सब्जी हमारी आधी पक चुकी है। तरोई ने एक अच्छे से पानी भी छोड़ा हुआ है। तरोई में मॉइस्चर होता है, इसलिए कभी कभी तरोई में कम मॉइस्चर होता है तो पानी कम छोड़ती है। इसलिए आप चाहे तो 1/2 से 1 कप पानी डाल सकते हैं ताकि सब्जी दाल अच्छे से पक जाए और इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। अभी हम इसे 5 से 7 मिनट तक और पकने देंगे।
हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी बहुत ही अच्छे से बन गई है और पक भी गई है। गैस को हम तेज कर देते हैं और इसे अच्छे से चला करके मिला लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा रंग आया हुआ है इसमें। सब्जी बन करके तैयार हो गई है। गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसे सर्व करते हैं। देखिए तरोई चने की दाल के साथ बन करके तैयार है। अब इसमें हम ये बारीक कटी हुई जो हरा धनिया हमने रखा है इसे डालेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू।